Hello, Bachcha Party. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So, lecture number 1 में हम लोगों ने देखा कि potential difference क्या है और potential क्या है. And in this class, we are going to see the electric potential due to point charge. Already ऐसा एक word, ऐसा sentence तुम्हारे mind में आ रहा होगा कि हमने ऐसा पहले भी निकाला था कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r². तो अब हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय क्लास. बच्चा पार्टी से शेयर जरूर करते रहिएगा और सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा. अगर मैं चार्ज हूँ तो मुझसे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 6 मीटर के डिस्टेंस पे, 10 मीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा. तो इसको समझने के लिए हम पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं. देखिए, इस कहानी के अंदर दो लोग हैं. एक है जो क्रिएट करता है, पूरी कहानी यही तो है, एक क्रिएट करता है और जो दूसरा होता है वो कौन होता है, जो एक्सपीरियंस करता है. तो ये है हमारा सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे. इस आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ए पे मेरे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज. ये आया कहाँ से है बच्चा लोग? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि पोटेंशियल के केस में हम ऐसा मानते हैं कि जो चार्ज होता है वो कहाँ से आता रहा है, इन्फिनिटी में से आता है, ठीक है. अब ये जो टेस्ट चार्ज है और ये जो सोर्स चार्ज है के बीच का डिस्टेंस है x, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आया है, तो दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में. वैसे ही पता चल रहा है कि रिपेल कर रहा है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. या आप ऐसा समझिए कि अगर हम कहें कि भाई साहब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई के जितना, और ई का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए फोर्स का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग गया, ठीक है. अब मैं इस पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ लाना चाहता हूँ पी पॉइंट पे, और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज से वो R जितना डिस्टेंस है. और हमारा टास्क यही है कि इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा. कंफ्यूजन में मत रहिए कि सर चल तो ये रहा है, तो जो चलता है बच्चा लोग वो किस में चलता है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजिशन में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिपार्टमेंट में आता है, तब पोटेंशियल होता है. तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और फिर हम उसको चला रहे हैं, तो हम ये निकाल लेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कितना हुआ, और वो काम डिवाइडेड बाय चार्ज हमारे लिए पोटेंशियल हो जाएगा. आई बात समझ में? तो देखिए, हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो क्यू नॉट चार्ज है विच इज़ अ टेस्ट चार्ज, उसको यहाँ से यहाँ तो लाएंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ लाने के पहले हम ऐसा मानते हैं कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया, तो उससे स्मॉल वर्क डन मिलेगा. Because in physics, we always do like this. We always take a small element and then we go for the integration, directly we get the answer. Hai na? So what we will say? K small work done in moving the test charge Q naught from A to B with a small displacement as dx against the electrostatic force. Electrostatic force idhar hai. और मैं इसको ऐसे लाना चाहता हूँ, ऐसे छोड़ दोगे तो वो थोड़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ. पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में. तो मैं इस पॉइंट से यहाँ पर ला तो सकता हूँ, बट हमने ऐसा माना कि ए से बी तक गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क कितना. तो चलिए वर्क लिखते हैं. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी, बट स्मॉल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट में डीएक्स. हम जब भी डॉट हटाते हैं तो क्या आता है बच्चा लोग? सो व्हेन यू रिमूव द डॉट, हियर वी हैव एफ डी एक्स कॉस थीटा. नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन दिस एफ एंड डी एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. तो देखो, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस एफ डी एक्स. तो यहाँ हम रीजन भी लिख देंगे, cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. हर चीज आप नोट थ्योरी के अंदर नोट कर आइएगा. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बच्चा लोग मिल गया, माइनस एफ टी एक्स. नाउ दिस डी डब्ल्यू इज ए स्मॉल वर्क डन, बट अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंटायर वर्क डन चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो हम अब कर देते हैं इंटीग्रेशन
डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चा लोग, इसका लिमिट बहुत ध्यान से समझना। लिमिट हमेशा डी के राइट साइड वाले पोर्शन को देख के लिया जाता है। डी के राइट साइड वाला पोर्शन क्या है? एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है डी एक्स आया कहां से, मतलब ये जो क्यू नॉट है यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये आया कहां से है? इन्फिनिटी से आया है। कहां लेके जाना चाहते हो? पी पॉइंट पे। ये चार्ज कहां से आया है बच्चा लोग? इन्फिनिटी से। कहां लेके जाना चाहते हो? पी पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और फिर पी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो पी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? आर। गॉट माई पॉइंट? डी के राइट साइड में एक्स है, तो ये एक्स वाले डिस्टेंस के बारे में सोचना है। कहाँ से आया है? इन्फिनिटी से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था। इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था इन्फिनिटी, ये रहा। और हम इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये हो गया इन्फिनिटी से लेकर के आर। ठीक है, आइए आगे वैल्यू रख देते हैं। सो नाउ वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ, एफ की जगह पर क्या आया? तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स। अगेन डी के राइट साइड में एक्स देख के आइडिया आता है कि इंटीग्रेशन से बाहर क्या जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट है, सो माइनस के क्यू क्यू नॉट और फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी से लेकर के आर, यानी माइनस के क्यू क्यू नॉट और वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स इन्फिनिटी से लेकर के आर। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, x की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन पावर प्लस वन, दैट मीन्स वी विल राइट x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये हुआ इन्फिनिटी से लेकर के r। ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, यानी रिजल्ट आ रहा है आपका k q q नॉट और फिर वन अपॉन x इन्फिनिटी से लेकर के r, क्योंकि x की पावर माइनस वन है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? वी विल टेक x एज अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी k q q नॉट वन अपॉन r माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। बच्चा पार्टी, वन अपॉन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी जीरो होगी, तो ये आंसर आ रहा है k q q नॉट डिवाइडेड बाई r। ये जो वर्कडन आपने निकाला कि चार्ज को यहाँ पर मैं को लाना है इन्फिनिटी से, तो इतना काम करना पड़ेगा k q q नॉट बाई r। अब हम ये भी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना चाहता हूँ, तो जो काम किया डिवाइडेड बाय चार्ज वही मेरे लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। यानी हम यहाँ लिखते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। तो इन्फिनिटी से P तक लाने में आपने जो काम किया है वो है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R और ये क्यू नॉट। तो देखो क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा, तो बहुत ही सुंदर सा रिलेशन आ रहा है k q डिवाइडेड बाय r। इसे आइसक्रीम की तरह चाट जाइए और अपने मन मंदिर में बसाइए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। पॉइंट चार्ज q की वजह से r जितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल का इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अगर आप सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आता था k q बाय r स्क्वायर होता था। सब एक जैसे लगेंगे इसलिए कंफ्यूज मत होना, सभी को एक पेपर पे लिख करके याद करते रहना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल डिफरेंस से, फिर हमने पोटेंशियल देखा, अब आज आपने देख लिया है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाई आर। कैसे किया हमने? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की पोजिशन ए थी, इन्फिनिटी से आया था, ए से बी पे लाया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क, उस वर्क का इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चा लोग, सो इट्स द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर। सो बहुत जल्द मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि डाइपोल में भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड विल फाइंड इट। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा उसके एक्सिस पे, उसके इक्वेटर लाइन के कोई भी पॉइंट पे, या फिर कोई भी एंगल थीटा पे। स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सो बच्चा लोग, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अलग होगा, दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा। इस डाइपोल की वजह से हम एक पॉइंट लेते हैं जो डाइपोल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, ऐसा एज्यूम करेंगे हम, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो
देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a, जो हम 2l भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज द डिजायर पॉइंट वेयर वी विश टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस। ठीक है, हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे। अब आप देखो तो जो डाइपोल का एक्सिस है, दिस डाइपोल एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस डिजायर्ड लाइन, यहाँ और इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो हमारा जो डिजायर पॉइंट है वो थीटा जितने एंगल पर है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये पॉइंट काफी ज्यादा डाइपोल से डिस्टेंस पर है। तो अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ये एंगल सेम होगा। अब लगभग ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अगर ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ये एंगल सेम है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। बच्चा अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी सुनाई थी अपने चैप्टर 1 के अंदर, तो मैंने हमेशा ये बात कहा था कि जब भी आप डील करो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन का, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी सिस्टम के अंदर जितने चार्जेस होते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन अ सेम वे वी हैव टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेंशियल। यानी अगर इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी मिलेगा और इसकी वजह से भी मिलेगा। सो नेट पोटेंशियल क्या बोला जाएगा, वीपी इज इक्वल टू वी माइनस चार्ज एंड वी प्लस चार्ज, क्योंकि दो चार्ज है मेरे पास। ठीक है, हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज। अब बच्चा इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल का इक्वेशन क्या, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो हमने यहाँ लिखा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है आर टू, और वी क्यू माइनस की मैं बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो है हमारे लिए आर वन। माइनस चार्ज होने की वजह से ये प्लस और माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन दिख रहा है के क्यू, तो के क्यू को कॉमन करने पे आता है वन अपॉन आर वन, सॉरी आर टू, और फिर ये वन अपॉन में आर वन, यानी ये आंसर बनेगा के क्यू फिर आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन एंड आर टू। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए और यहाँ पर सोचिए, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पर एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये एंगल तो 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो अगर ये R2 है तो ये वैल्यू भी आपकी R2 हो जाएगी और ये पूरा आपका R1 था ही, तो ये वैल्यू कितनी हुई, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चा लोग वो हो जाएगी R1 माइनस में R2। क्या ये बात आप समझ पाए? जैसे ये पॉइंट आप देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। अब यहाँ पर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, ये डिस्टेंस अगर 7 मीटर है, तो मैं अगर यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूँ, तो अब ये 7 है तो ये भी वैल्यू, ये वाली भी 7 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 10 माइनस 7 3। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया कि अगर आप एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हो तो एंटायर वन इज आर वन, दिस वन इज आर टू, सो द रिमेनिंग विल बी वॉट R1 माइनस R2, और ये एंगल 90 डिग्री है। चलो हम इसका नाम दे देते हैं A, B और फिर यहाँ पे P। तो यहाँ हम लिखेंगे BP इज परपेंडिकुलर टू वॉट AP, BP इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ M कर देते हैं, सो BM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AP। ऑलराइट, तो ऐसा होने से एंगल कुछ 90 डिग्री बन गया, ये वाला एंगल हम इसे लिख देंगे एंगल A एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक बच्चा लोग, सो अब इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिगोनोमेट्री यूज करिए, कॉस थीटा निकालते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ए बी। सो ए एम की वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज आर वन माइनस में आर टू, और ए बी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 2a, हेंस आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ओ हो हो हो, सो आर वन माइनस आर टू बराबर 2a cos थीटा। अगर हम यहाँ रख दें इक्वेशन वन में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि v बराबर के क्यू, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। सो के क्यू आर वन माइनस आर टू इज वॉट बच्चा लोग 2a cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई दिस आर वन आर टू। अब और ध्यान से समझिए, एक चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे पहले
के चैप्टर के अंदर कि Q इंटू टू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी आपका आंसर बना K P cos थीटा डिवाइडेड बाई R1 एंड R2। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर चले जाएं तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो R1 है और जो R2 है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और अगर इक्वल हो जाए, इफ़ R1 इज इक्वल टू R2, तो यही इक्वेशन P पॉइंट के लिए पोटेंशियल आपका बन जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कोई भी डाइपोल की वजह से जो हमारा पोटेंशियल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, जो एंगल बनाया थीटा डाइपोल के एक्सिस के साथ, वहाँ पर ही पोटेंशियल का इक्वेशन है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि मान लीजिए डिजायर पॉइंट यहाँ पर है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, सो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? सिंपल आंसर, थीटा जीरो एंड कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, वन, तो आंसर आएगा के पी कॉस थीटा के पी बाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि ये एग्जैक्टली ऐसा है, इक्वेटर पे है, तो थीटा 90, तो पोटेंशियल विल बी जीरो। हम इसे समझ सकते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आपको विदाउट एंगल की भी अलावा कैसे एक्सिस पर निकालेंगे उसकी भी चर्चा करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। आई ले तो ऋतिक रोशन आ गया, कोई मिल गया वाला। अरे वाह, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल निकालना है। चलो आ जाओ बच्चों, मुझे थोड़ी बहुत मिमिक्री भी आती है, मैं कर सकता हूँ। पापा स्पेस में, उन्होंने बुलाया था मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये क्या था, डाइपोल। तो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मतलब डाइपोल के एक्सिस पर क्या होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, लेट्स फाइंड आउट। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ये ओरिजिन। तो हम इस डाइपोल के इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट पे निकालने वाले हैं। डाइपोल की वजह से निकाल रहे हो ना, तो सेंटर वाले पॉइंट से लेते हैं। अभी आपने देखा था डाइपोल के बीच वाले से ही वो डिस्टेंस हमारा लिया गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हाँ आर, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस बच्चा लोग 2a होता है, तो ये डिस्टेंस भी आपके लिए a हुआ और ये डिस्टेंस भी आपके लिए क्या हो जाएगा, a, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, कि जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो देखो सिस्टम में कितने चार्ज हो उतना पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी मिलेगा और इसकी वजह से भी मिलेगा। सो विल राइट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये डिस्टेंस। बच्चा देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ये डिपार्टमेंट बच गया आर माइनस में ए, फिर माइनस के क्यू। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, के क्यू बाई आर। तो अब इसकी वजह से डिस्टेंस निकालूंगा तो ये एंटायरली आर है और ये ए है, यानी कि ये हो गया आर प्लस ए, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि कॉमन निकल के आएगा के क्यू और अंदर बच जाएगा वन अपॉन में आर माइनस ए एंड माइनस वन अपॉन में आर प्लस ए। सो ब्रैकेट को आप वापस ओपन करेंगे तो ये आएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद, ठीक। कुछ कट रहा है, ये देखिए आर से आर कटेगा, तो ये हो गया के क्यू टू ए आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब ये जो q इंटू टू है दैट इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स योर आंसर इज ऑलमोस्ट अबाउट के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर जो है अगर ग्रेटर ग्रेटर देन है, आर ग्रेटर ग्रेटर देन है, जो कि आपने उसमें भी अप्लाई किया था कंडीशन, आपने p को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लिया था, तो ये p अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो p बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, r काफ़ी बड़ा है के कंपैरिजन में, काफ़ी छोटा रहेगा और r काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो अगर r काफ़ी बड़ा हो जाए तो a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा के पी बाई आर का स्क्वायर, जो कि आपका जो पहले डेराइव किया हुआ इक्वेशन था वहीं से आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि थीटा आपको कंसिडर करना पड़ेगा जीरो, हमने यहाँ लिया था वो डिजायर पॉइंट, यहाँ लेंगे तो थीटा जीरो, तो के पी कॉस जीरो बाई आर स्क्वायर एंड कॉस जीरो इज वॉट वन, यानी आंसर आया के पी बाई आर स्क्वायर। ये तो केस वन हुआ बच्चा। अब सोचिए कि इक्वेटर पे क्या होगा, ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, इसका मतलब कि डाइपोल के एक्सिस से 90 डिग्री वाले लाइन पे हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए कोई बात नहीं, इसमें प्लस क्यू, इसको माइनस कर देते हैं, ये आपका प्लस क्यू, ये हमारा वो पॉइंट
तो ये आपकी वैल्यू ए और ये भी वैल्यू आपके लिए ए, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर। तो अभी मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालूँ या नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से। यार ये ए तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि दैट वी पी इज इक्वल टू वी पॉजिटिव एंड वी नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव की वजह से लिखा तो के क्यू अपॉन में आर, आर बराबर क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये निकाला तो माइनस अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल आउट, तो आंसर आया जीरो। हमने देखा कि के पी कॉस थीटा वाले इक्वेशन में अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ तो आई हैव टू टेक थीटा 90, एंड वेन यू टेक थीटा 90 कॉस 90 विल बी जीरो, योर आंसर विल बी जीरो। तो ये हो गया डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का इक्वेशन के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, माइंड में होना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, डाइपोल की वजह से के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चा लोग, और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, बाय बाय बच्चा पार्टी।